बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में मचे बवाल पर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या इन दिनों मुसीबत में हैं। जी आपको बता दें कि बीसीसीआई ने हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया है कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पर बैन लगाया जा सकता है। बड़ी बात ये थी कि अनिरुद्ध चौधरी ने ये कहा था कि वो हार्दिक पांड्या को 2 मैच का बैन लगाकर छोड़ देंगे, लेकिन सुबह सुबह कप्तान कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि जो सोच हार्दिक और राहुल की है वो सोच हमारी नहीं है। मेरी टीम का मिशन वर्ल्ड कप है और मैं और मेरी टीम पूरी तरह से वर्ल्ड कप की ओर फोकस्ड हैं, और अगर इस तरह का विवाद आएगा तो इससे टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में विराट से जब हार्दिक पांड्या के विकल्प के बारे में पूछा गया तो विराट ने साफ तौर पर कहा कि किसी के रहने या ना रहने से टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ तौर पर जडेजा उनकी जगह लेंगे। आपको बता दें कि जडेजा की फॉर्म हाल ही में काफ़ी शानदार रही है, एशिया कप से लेकर हाल ही में भी उन्होंने जितनी भी सीरीज खेली है वनडे में भारत के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में उनके पास मौका है अपने आप को साबित करने का। अब देखना होगा कि बीसीसीआई और सीओए मिलकर पांड्या और राहुल पर क्या फैसला लेती हैं, उसके बाद ही शायद किसी और खिलाड़ी की एंट्री होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।